Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare वो बुला रहे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hari Hari जय गौर हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे जय प्रभु पद प्रभुपद जय प्रभु पद जय प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद Nitai Gaur Haribol, 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 Haribol. Jai Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Ki. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Ki. Nitai Gaur Pramanande. डिस्प्ले तो नहीं किया ना कल से डिस्प्ले अभी श्री कृष्ण चैतन्य को दया करो श्री कृष्ण चैतन्य को दया करो हरे कृष्ण
तो सबको पता है कि बहुत शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के शुभ आविर्भाव तिथि आने वाला है। तो इसी के उपलक्ष्य में तो विल सेवा के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में, और आने वाले मंगलवार को एक बहुत ही विशेष उत्सव जिसका नाम है गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के। तो जिसका भी मोबाइल फोन कथा में बजेगा तो सीसीटीवी में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और आपसे मोबाइल फोन प्रसाद के टाइम ले लेंगे और जो नए भक्त ज्वाइन करने वाले उनको दे देंगे। ठीक है जी, तैयार है सब लोग? हरी बोल। यस हरी बोल। तो मोबाइल फोन प्लीज स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। प्रभु जी लोग आ गया जी, प्रभु जी लोग प्लीज और आ गया जी, क्योंकि और भी भक्त भी आएंगे। तो माता जी थोड़ा वहीं रहिएगा, पीछे रहिएगा, पीछे माता जी थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। और हम बहुत ध्यान से महाराज जी के श्री चरणों में बैठ के ये बहुत ही सुंदर गौर कथा है उसका पूरा लाभ उठाएंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी लोग प्लीज आगे आ जाइए, जितने जितने मेल डिवोटीज हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए और आगे आ जाइए। चंद्रशेखर प्रभु यू कैन कम इवन मोर फॉरवर्ड। हरे कृष्णा। अभी तो कल से डिस्प्ले करेंगे तो आप में से किन किन के पास स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन यस, आजकल सबके पास है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं स्मार्ट डिवोटीज स्मार्ट मोबाइल फोन। अपना स्मार्ट मोबाइल फोन निकाल लीजिए और गौरांगिरा द्वितीय पदा भजन है वो आप श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, ये भजन निकाल लीजिएगा और हम ये भजन सब लोग मिलकर गाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्रीकृष्ण चैतन्य
तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तब अवतार पतित पावन ओसम पतित प्रभु ना पाई बेआर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण प्रभु दया कर तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलोकन कर आमी बड़ दुखी कृपा बलोकन कर आमी बड़ दुखी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी हा हा प्रभु कृपा बल हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी हा प्रभु कृपा बलो बन कर आमी बड़
दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई दया कर तब कृपा बोले पाई चैतन्य निताई श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण तुम बिना के दयालु जगत संसारे हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण तुम बिना के दयालु जगत संसारे दया कर श्रीआचार्य प्रभु श्रीनिवास दया कर रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण तुम बिनु के दयालु जगत संसारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान निताई गौर हरि बो हरि बोल हरि बो जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षडगोस्वामी प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज जय श्री श्री वृंदावन धाम की श्री मायापुर धाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्री द्वारिका धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री अयोध्या धाम की गंगा देवी जमुना देवी की वृंदा देवी तुलसी महारानी की जुगधर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की समवेत भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में हमारे संस्था की तरफ से प्रकाशित है। ऐसे उनके लीला के बारे में श्री चैतन्य भागवत
श्री चैतन्य मंगल, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ने वो होते होते, क्योंकि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ जाने, भागवत को रोक करके चैतन्य चेतामृत को ट्रांसलेशन किए, भागवत को पूर्ण नहीं कर पाए इसलिए कृष्ण बुक दे गए, लेकिन चैतन्य चरितामृत को पूरा किए, क्योंकि हम उनको जो प्रणाम करते में है, उनको प्रणाम मंत्र में ये बात है उनके स्वभाव को देख करके कि गौरवाणी प्रचारिणी, उनका जीवन के लक्ष्य था वो गौरवाणी के प्रचार करेंगे गौरांग महाप्रभु के बारे में। तो उन्होंने गौरवाणी को जितने संभव हो चैतन्य महाप्रभु के लीला में, अगर कुछ कोई जानना चाहते हैं महाप्रभु की महिमा, महाप्रभु कैसे हैं, तो श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ सबसे अधिक प्रामाणिक है, और केवल प्रामाणिक नहीं सबसे अधिक हृदय स्पर्शी है। ऐसे चैतन्य भागवत भी है, लेकिन प्रभुपाद जी के पास इतने समय नहीं था कि चैतन्य भागवत कर पाए, लेकिन चैतन्य चरितामृत उन्होंने किए। तो हमारे संस्था की तरफ से जैसे गीता और भागवत के प्रचार करते हैं, गीता के प्रचार मैराथन दिसंबर महीना में होता है, गीता जयंती, गीता जयंती के अवसर पर पूरी विश्व में सारे कृष्ण भक्त लग जाते हैं, जी जान लगा करके, पूरे कसर लगा कर गीता प्रचार। अब चार साल से लग गया भद्र पूर्णिमा उत्सव, वो दिसंबर में होता है, ये सितंबर में होता है, भद्र पूर्णिमा भागवत उत्सव, भागवत पूर्णिमा। तो भागवत पूर्णिमा में कंपटीशन लगता है भागवत सेट का, तो रह गया तो हमारा प्रोजेक्ट गौरवाणी प्रसारण गौरांग महाप्रभु का। तो मुझे गोपेश्वर प्रभुवाज बताए, बोले हम अब ये सोच रहे हैं कि गीता भागवत बहुत हो गया सीसी में करेंगे मार्केटिंग प्रचार, सीसी का करेंगे चैतन्य चरितामृत इतने ज़्यादा कॉस्टली भागवत की तरह नहीं है, फिजिबल है, लोग ले सकते हैं, 9 वॉल्यूम है ना, 9 वॉल्यूम है वो, तो डबल है, 18 वॉल्यूम है उसका, आधा है, लेकिन रेट आधा से कम है और कम है। श्री चैतन्य चरितामृत में प्रथम जो खंड है, जो आदि लीला है, 3 भाग में विभक्त है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। जो आदि लीला है उसमें भगवान के तत्व वर्णन है, तो हम लोग का दिमाग इतने उन्नत नहीं है तत्व को समझ पाने में, तो इसलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ने में लोग थोड़ा पीछे हटते हैं, बोले कुछ नहीं, ऊपर ऊपर से जा रहा है सब, पता नहीं क्या है, बड़े क्लिष्ट है। लेकिन श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, सिद्धांत बोलिया मने नाकर आलस, यहाँ लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। कृष्ण में अगर दृढ़ मन लगाना चाहते हो तो इसी तत्व को जानना चाहिए। तो अगर कोई उसको समझाने वाले हो तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद में तो अमृत है, उसका नाम है चैतन्य चरित अमृत, उसका नामकरण किया गया चैतन्य चरितामृतम। चैतन्य शब्द का वास्तविक अर्थ है चेतना, कॉन्शियसनेस, जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति को चेतना कहते हैं, और उसी के बारे में, उसके अमृत है चैतन्य चरितामृतम। और
ये निश्चित रूप से कोई चैतन्य चरितामृत पढ़े और अटेंटिवली सुने, ये गारंटेड है कि दुख सुख भूल जाएगा, शोक मोह भयापहा है। तो हमारे पास से जो 3-4 सेशन है अभी 7 तारीख शाम तक तो होगा नहीं, 7 तारीख एक दिन होगा, 4 तारीख एक दिन एक सेशन, 7 तारीख एक सेशन मॉर्निंग सेशन होगा, 5-6 बीच में 2 दिन है ना, नहीं 5 ही 6 दो दिन है, तो इसमें सुबह शाम होगा। तो इस समय में तो मैं प्रभु जी की पूछा, हम के लिए क्या चर्चा करेंगे, कौन सा विषय, ये तो बहुत बड़ी सागर है, अमृत के सागर है, तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन बताया कि हमारा ये इच्छा है कि हम चाहते हैं चैतन्य चरितामृत का प्रचार प्रसार हो, बहुत बहुत अच्छा है। तो चैतन्य चरितामृत को कुछ पाठ करने के प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने आया कलकत्ता से, तो वहाँ पे उन्होंने भी रखे थे गौर कथा, मैं उनको पूछा, बोले कि हमको शिक्षा स्टॉक के बारे में बताइए, तो 2 दिन में हम 2 श्लोक कर पाए शिक्षाष्टकम का, और फिर टू बी कंटिन्यूड वहाँ भी रहा फिर कभी जाएंगे वहाँ करेंगे। तो श्री चैतन्य चरितामृत के कुछ अंश पाठ करेंगे एक कुछ सेशन में, और मैं आशा करता हूँ आप उसको आस्वादन करेंगे, अगर अटेंटिव हियरिंग करेंगे, यही एक ही कंडीशन है। उसको कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि मुझे प्रभु जी बोले थे सुबह जो आएंगे शाम को नहीं आ पाएंगे, जो शाम को आ रहे हैं सुबह नहीं आ पाएंगे, मैं आपके रिक्वेस्ट करूंगा जब फिजिकली आते हैं, ऑफलाइन तो बहुत सुंदर है, नहीं आ पाए तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कंटिन्यूटी रहेगा, नहीं तो बीच में फिर छूट जाएगा, बोले अरे ये क्या आ गया, फिर नहीं, कंटिन्यूटी रहेगा। तो हम शुरू करेंगे पाठ श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से 10वां अध्याय से, जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में प्रकट हुए थे आज से लगभग 525 साल पहले, श्री नवदीप धाम में गंगा के तट पर से मायापुर जहाँ भगवान की जन्मस्थली है वहाँ पर प्रकट हुए थे। उनके पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची देवी था, क्योंकि भगवान है और उस आने का आवश्यकता क्या था, कोई शास्त्र में है नहीं, भगवान आए छन्न रूप में है, भगवान भगवान बनकर नहीं आए थे, इसलिए उनके भगवान भक्त बनकर आए थे इस बार, तो भक्त बनकर आ करके, लेकिन भगवान ही तो है चाहे कुछ भी बने, तो उनके सारे लक्षण था उनके साथ में, कितने छिपाने पर भी छिप नहीं सका। तो भगवान का ये लक्ष्य था इस अवतार में, इस कलयुग के लोगों को उद्धार के लिए सबसे बड़ी साधन कलो हरि संकीर्तन परम उपाय, कलयुग में सबसे परम श्रेष्ठ उपाय है हरि नाम संकीर्तन, उसी को उन्होंने दिए, इसलिए संकीर्तनेक पितरो, संकीर्तन नाम संकीर्तन का जनक श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो उनके जीवन में इस धराधाम में उन्हें प्रकट से लेकर के उनके अंतर्धान तक 48 साल रहे, 48 साल से बिल्कुल 50-50 26 साल नवदीप में रहे और बाकी 24 साल नीलाचल में रहे जगन्नाथपुरी में। वो जो नीलाचल में जब रहते 24 साल उसमें थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग भी किए, एक बार बंगाल आए थे, एक बार वृंदावन आए थे, एक बार दक्षिण भारत गए थे, और पैदल में चलकर गए थे, तभी गाड़ी फाड़ी सब नहीं था 5 साल पहले, तो इसलिए 6 ईयर्स ट्रैवलिंग में लगा और 18 साल कंटिन्यूस सिद्धामपुरी में रहे और बचपन से 26 साल तक अपने जन्मस्थान से नवद्वीप में रहे थे। जब नवद्वीप में रहे बाल्यकाल में, हम थोड़ा बहुत 7 तारीख को उनके बाल्य लीला के बारे में भी चर्चा करेंगे,
बाल्यकाल में एक चंचल बालक की तरह थे, उसके बाद में पांडित्य की विद्या विलास ये किए, उसके बाद में किशोर अवस्था से पिताजी गुजर गए थे, पिताजी के श्राद्ध करने के लिए गए और वहां से उनके गुरु श्री ईश्वरपुरी से उनका मंत्र दीक्षा लेने के बाद भक्ति के भाव प्रकट किए, संकीर्तन आंदोलन शुरू किए और फिर संन्यास लेकर के पुरी चले गए। संन्यास जब लिए, उनके घर में केवल तीन ही लोग थे जो घर त्याग दिए, एक तो उनके वृद्धा विधवा माँ और उनके विवाहित पत्नी जो केवल 16 साल की, और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु थे, और कोई इनकम सोर्स नहीं था। इस अवस्था में घर त्याग दिए तो फिर बहुत शोकमग्न हो गया था पूरा नवदीप। तो फिर वापस शांतिपुर में आए, लोग सब मिले उनको, तो माँ सची को मिले, सची माता ने रिक्वेस्ट किया, बोला नहीं माई ठीक है, जो किया सो किया, लेकिन इतना दूर मत जा, संन्यास ले लिया तो घर में तो नहीं आओगे, लेकिन इतना दूर मत जा ताकि मैं आपके बारे में कुछ ना सुनूं, ध्यान देखो तू। बोले माता जी आप क्या चाहते हैं, ना मैं चाहता हूँ पूरी में रहो, वृंदावन मत जा। तो मात्र आज्ञा को पालन करते हुए भगवान वृंदावन जाने चाह रहे थे, वापस आकर के पुरी गए, नीलाचल धाम गए रहने के लिए, और वहीं रहे। एक बार केवल पुरी आए थे, दैट्स इट, नहीं सॉरी वृंदावन आए थे। तो पुरी में जब रहे संन्यास धारण करके, तभी उनके मिशन सचमुच उन्होंने जो अवतार धारण का जो मुख्य लक्ष्य था तभी वो वहीं किए। तो उनमें से जब पुरी पहुंचे संन्यास लेने के बाद, वो बड़े सुंदर किस प्रकार संन्यास लेकर जा रहे हैं ये बड़ी सुंदर वर्णन है। पहुंच करके पुरी में सबसे पहले सार्वभौम पंडित जो तभी जमाने में श्री जगन्नाथ मंदिर के हेड प्रिस्ट थे, उनके उद्धार किए। उसके बाद में चले गए दक्षिण भारत, लगभग 2 साल दक्षिण भारत में भ्रमण करने के बाद जो वापस आते हैं तब से शुरू करते हैं, तब फिर लोग मिले। कैसा हुआ इस अध्याय से वर्णन करते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 7, 8, 9 अध्याय में ये दक्षिण भारत का वर्णन शुरुआत, और दक्षिण भारत में तीर्थ भ्रमण किए। 10वां अध्याय से वापस आ गए, वापस आने के बाद फिर क्या हुआ, कैसे भक्त से मिलते हैं, क्या होता है, इस चर्चा को शुरू करते हैं। महाप्रभु के भक्त मिलन, विरहकवाद मिलन। तो 9वां अध्याय में भगवान ने अभी ये शुरुआत, जो 10वां अध्याय होगा इसमें यही होगा कि महाप्रभु आए नहीं, अभी आने वाले हैं दक्षिण भारत से, जगन्नाथपुरी पहुंच रहे हैं, तो उसको वर्णन करते हैं। तंग बंदे गौर जड़दंग स्वस्य यो दर्शनामृते बिच्छे दवाग्रह मलान भक्त सस्यान्य जीवन जीवयत। बोलते हैं कि गौरांग महाप्रभु जलद मतलब बारिश है, और वो भक्तगण हुए सूखा पड़ गए थे, बारिश में सूखा पड़ गए थे, सूखा में बिल्कुल सब लुप्त प्राय होने वाले थे, लेकिन बारिश आया सबको जीवित किया। भगवान ने जो पुरी में चले गए थे भक्त लोग सब सूख गए थे बिल्कुल, तो भगवान आकर के उनको, तो मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूं जो वर्षा की कमी से कष्ट पा रहे भक्त रूपी धान्य के खेतों में जल बरसाने वाले बादल की तरह हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का वियोग सूखे की तरह हैं, किंतु जब महाप्रभु लौटते हैं
तो उनकी उपस्थिति उस अमृत वर्षा की तरह है जो सूखते हुए अनाज पर बरस कर उसे नष्ट होने में बचा लेती है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, पूर्वे जबे महाप्रभु चलिला दक्षिणे, प्रताप रुद्र राजा तबे बोलाइल सार्वभौमे। तो कहते हैं कि महाप्रभु जब पुरी से दक्षिण भारत की ओर चले गए तो तत्कालीन ओडिशा के गजपति महाराज वो पुरी आए थे और मंदिर का जो हेड प्रीस्ट थे सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाए, बुलाइल सार्वभौमे, बसीते आसन दिल करी नमस्कारे, महाप्रभुर वार्ता तबे बुझिल तहारे। ये देखिए राजा है पूरी स्टेट का, लेकिन फिर भी ब्राह्मण के प्रति कितना सम्मान है। उनको बुला, जैसे वो आए सर्वभौम पंडित ने तुरंत उनको उठ करके प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन लिया, फिर हाथ जोड़ करके पूछे उनको, बसीते आसन दिला करी नमस्कार, नमस्कार करके बैठने के लिए आसन दिए, पर महाप्रभु रो वार्ता तबे पूछी ले तहारे, महाप्रभु के वार्ता उनको पूछने लगे, क्योंकि उन्होंने सुने थे राजा आकर पूछना एक बड़ी बात नहीं है। यही मैं कहता हूँ महाप्रभु सिखाते हैं हाउ टू प्रीच, प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सारे, प्रचार करना भगवान ने सिखा। जो संन्यास लिए, संन्यास लेकर के उनके जोन पड़ा उड़ीसा, वहीं तक गए, माँ ने बताया वहीं जाओ करके, तो उड़ीसा गए, जा करके उनके पास तो कभी था नहीं, ना बुक्स था, ना ये फॉर्म प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर वगैरह था, ना कोई भक्त थे, ना कोई ये सब कुछ था नहीं उनके पास, भिक्षा के ऊपर निर्भर थे, कुछ नहीं था, संन्यासी थे, लेकिन फिर भी पूरे स्टेट को जाके पहुँच कर सबसे पहले कैसे प्रचार करूँ, स्टूडेंट पिचिंग करूँ, कॉन्ग्रीगेशन पिचिंग करूँ, या यूथ पिचिंग करूँ, क्या करूँ, कोई कैसे करेंगे, कुछ नहीं उनके पास, तो सबसे पहले जा करके पूरी जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के छल से गए और जा करके ऐसे दर्शन किए जगन्नाथ जी को, वो दर्शन इट्सेल्फ जो प्रीचिंग था, जैसे मंदिर में घुसे, घुस के ठाकुर जी के पास जा करके फेंट हो गए, सेंसलेस हो गए। महाप्रभु के शरीर बड़ा हाइट था, आजान लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन, बिल्कुल चमचम सोने की जैसा उनके शरीर के रंग था, लगभग 7.5-8 feet के हाइट था, इतने लंबे लंबे हाथ, इतने विशाल शरीर, इतने दिखने में इतने सुंदर रूप था, और जा करके घुस करके चले गए जबरदस्ती भीड़ के अंदर, जाके जगन्नाथ जी को आलिंगन करना चाहते थे, पूरा अल्टर के अंदर जाकर, और वहीं सेंसलेस होकर गिर पड़े। पुजारी और कर्मचारी दौड़ कर रहे, अरे कौन है, क्या है, कि दौड़। तो उसी समय में हेड प्रिस्ट श्री सार्वभौम पंडित थे वहाँ, तो रोक दिए, बोले मैं देखता हूँ, जाकर देखे नज़दीक में, जो उनका शरीर में जो दिव्य भक्ति के लक्षण से दिखाई पड़ा, उसको देख करके पंडित सार्वभौम तो महाज्ञानी थे, वो समझ गए ये तो कोई मनुष्य को हो नहीं सकता, आश्चर्य होकर देख रहे थे, बोले ये सब विकार शरीर कैसे हुआ, कोई मनुष्य में तो ये सब दिखाई नहीं जाता है। वो सोच में पड़े थे, तो पुजारी जी को बोले पंडित जी गोसाई जी भोग लगेगा, अब क्या करें, ये तो उन्होंने उठाकर अपने घर में लिए। 9 घंटे तक सेंसलेस होने, मतलब कोमा में, बोलो उसको और क्या कहेंगे, कोमा में रहे 9 घंटे तक, और 9 घंटे तक पंडित सार्वभौम के घर में वो सोच रहा था क्या शरीर है, प्राण है कि नहीं, मैं घर में कुकिंग करूँ ना करूँ, पंडित थे पीछे ब्राह्मण सब नियम निष्ठा, बोले क्या करूँ, लेकर आया घर में। तो जब पूरी जा रहे थे उनके साथ में नित्यानंद गदाधर मुकुंद आदि सब थे, वो लोग पीछे पीछे जाकर पहुंचे,
तो भी उनके साथ मिले, उनको देखकर जैसे भी फिर उन्होंने जाकर कीर्तन किए तो महाप्रभु का सेंस आ गया, तो उनको होश आया, तो बोला कि अद्भुत है, इतने समय उनके बाद आए कीर्तन किए, तो बोले कि आज तक घर में कुकिंग नहीं हुआ, महाप्रसाद मंगा कर खिलाता हूँ। तो पूरा मंदिर के हेड थे तो महाप्रसाद मंगा करके उनको खिलाए, वो स्वयं पाए प्रसाद, तो पूछे उनके बारे में कौन है क्या है पता लगाए। जब पता चला कि सार्वभौम पंडित भी नवद्वीप के रहने वाले थे, उनका जॉब था वहाँ, वहाँ सिलेक्टेड हुए थे हेड प्रिस्ट के रूप में, तो उनको अच्छा लगा कि हमारे गांव के लोग है, हमारे यहाँ के इतने पढ़े लिखे सन्यासी है, तो किसे कम एज में सन्यास ले लिए, तो उनने उनको थोड़ा गाइड करने के लिए चाहा, तो काउंसलिंग करूँगा गाइड करूँगा। और महाप्रभु भी इतने नम्र थे, इतने विनय भाव से उनके बात की, बोले मैं तो पूरी आया हूँ केवल आपके नाम सुन करके, जगन्नाथ दर्शन तो साइड इफेक्ट है, मैं आपके पास आया। तो ऐसे बात कह के सर्वम बोले रियली मेरे पास ना, आपके पास आया हूं। तो इतने खुश हो गए, तो उन्होंने टीचर थे प्रसिद्ध थे, बड़े बड़े लोग उनसे पढ़ने आते थे वेदांत, तो बोले मैं आपको पढ़ाऊ ना, आप मैं तो आपके शरण में हूं, आप जो करेंगे। तो उनको घर में बुलाकर लेकर के उनको पढ़ाना शुरू किए, 7 दिन तक, 1 हफ्ता उनसे पढ़े। और सार्वभौम पंडित जीवन में बड़े एक्सपीरियंस पुराने शिक्षक है, कईयों को पढ़ाए, कई ब्याच, वेरी एक्सपीरियंस पुराने टीचर है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनके स्टूडेंट बने, उनके छात्रपना को देख करके उन मन में सोच रहे कि भैया ऐसे अगर छात्र मिल जाए तो टीचर का टीचर गिरी सामर्थ्य हो जाए, सार्थक हो जाए, ऐसे अगर छात्र मिल जाए टीचर को तो टीचर पना ही सार्थक हो जाए। सचमुच क्या श्रवण कर रहा, एक मुद्रा में बैठ करके कितने एकाग्र चित्त से बिल्कुल पी जा रहा है, ऐसे सुन रहा है। वृद्ध सार्वभौम बहुत खुश होते थे, अपने को धन्य धन्य मानते थे, और ऐसे स्टूडेंट के रोल निभा करके महाप्रभु ने उनको ओपन हार्ट सर्जरी कर दी, उनके हृदय के परिवर्तन हो गया। ऐसे अद्भुत परिवर्तन वृद्ध पंडित सार्वभौम को भी सोचा भी नहीं थे, क्योंकि पंडित सार्वभौम ऑल इंडिया लेवल कंटेस्ट में टॉप में आए थे पंडिताई में, तो सभी जानते थे, पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था उनका, और उनका इतनी बड़ी परिवर्तन हुआ, इतनी बड़ी परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, मैं तो कहता हूं हेडलाइट स्पॉटलाइट दोनों चेंज हो गया उनका, क्योंकि उन्होंने शंकर संप्रदाय की वेदांत के विशारद थे, विशारद शास्त्र के पुत्र थे, तो आप देखे ना तिलक दो प्रकार के पंडित लोग, ऐसे लगाते हैं कि ऐसे लगाते हैं, हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है ना, तो ये हॉरिजेंटल तिलक था उनका, ऐसे त्रिपुंड्र बोलते हैं उसको, 3 लाइन ऐसे लगाते, और मोटे मोटे रुद्राक्ष, और हर रुद्राक्ष के नीचे और ऊपर सोने के कैपिंग, क्या बोलते हैं आप उसको, कब्ज नहीं है ऐसा, कभी कभी पहनते ना आप लोग चांदी सोने के कंठी के ऊपर भी लमड़ा करके, तो रुद्राक्ष माला उसके ऊपर बिल्कुल सोने का लॉकेट नहीं, वो उसी के ऊपर क्या कवच ही बोलते हैं उसको, कवरिंग, सोने की परत लगा करके इससे गोल्डन माला, आजकल वो भी देखो ना, उसे पंडित लोग कैसे पहनते मोटे मोटे सोने के चेन, तो मोटे मोटे सोने के चेन पहने हुए थे और रुद्राक्ष के माला पहने हुए थे, ऐसे तिलक किए थे, और इतने मैच्योर्ड थे और वयस्क भी थे, और पूरे कंट्री से सबसे बड़े विद्वान पंडित करके जीत कर आए थे, सभी जानते थे कि भारी विद्वान पुरुष है, सर्वज्ञ शिरोमणि है, मानते थे उनको, तो वो हेडप्रिस्ट के रूप में पोस्टिंग हुआ था उनका वहां। तो जो भी उनको आते थे, पुरी में जगन्नाथ जी के सेवक बहुत हैं,
ब्राह्मण कोटि और बहुत बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी रहते थे। तो जो भी आते थे पंडित सर्वों के सामने उनको प्रणाम करते थे, बोले पंडित जी गोसाई जी प्रणाम। ओ बिल्कुल पान चुवाते थे, इतने बड़े सोने के चैन ऐसे आशीर्वाद देते थे। अब मोटे मोटे ऐसे त्रिपुंड लगाते थे मथा पर। अब केवल एक हफ्ता उनको पढ़ाए थे, ये बालक बन करके गए थे, 26 साल का यंग लड़का थे, उनको एक हफ्ता पढ़ाए। एक हफ्ता के बाद में जो हुआ इसको मैं बताऊं कि हेडलाइट चेंज हो गया क्या, उनका जो ऐसे त्रिपुंड था अब दूसरे दिन ऐसे हो गया, जैसे हम लोग लगाते ना वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल से चेंज हो करके वर्टिकल हो गया। पहले कभी नहीं देखे थे ऐसे तिलक, उनके गोसाई जी के ललाट में इस प्रकार के परिवर्तन हो गया। केवल यहाँ तिलक पर कंठी में जो मोटे मोटे सोने के चेन से रुद्राक्ष माला जो पहने थे उसको निकाल करके सूखा लकड़ी जिस लगा ना तुलसी की कंठी आ गया। और जो ऐसे चलते थे बिल्कुल आशीर्वाद मुद्रा में सब प्रणाम करते थे, अभी कभी चलते हैं बिल्कुल इतने झुक करके चलते हैं, कोई आकर प्रणाम करता तो खुद ही प्रणाम कर लेते। और पहले सुखी भव ये सब अपना आशीर्वाद देते थे अपने, अब तो हरे कृष्ण बोल रहे हैं। ये जो उनके परिवर्तन को देख करके जो बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण से बोले गोसाई जी ये क्या हो गया आपका, आप वही तो है, इतने नरम हो गए, आचरण में ऐसा परिवर्तन, रूप रंग रस व्यवहार ये क्या हुआ सब। और क्योंकि ओडिशा देश का हृदय है श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ को सबके ठुस ठुस के सबके हार्ट में जगन्नाथ जी हैं, पूरे देश के ठाकुर हैं। और उनके ये श्री मंदिर के हेड थे तो पूरे देश का सम्मान उनको प्राप्त होता था। जब उनका इतना बड़ा परिवर्तन हुआ तो देश में जितने पंडित दार्शनिक विद्वान ज्ञानी ध्यानी मानी ज्ञानी जितने थे सब बदले पंडित सार्वभौम, इतने बड़े विशारद उनका ऐसे परिवर्तन किया तो उनको जो सभी राजा से प्रजा तक सबका मोल्डिंग हुआ। तो ये भगवान का टेकिंग पिचिंग स्ट्रैटेजी है, एक शिकार ऐसे करेंगे कि पूरा कंट्री ही बोल्ड आउट हो जाए, पूरा कंट्री ही। तो इस प्रकार उन्होंने टारगेट किए थे, उनको चेंज किए। तो अभी इसी के कारण सार्वभौम पंडित को राजा ने आकर बुलाया। क्यों राजा बुलाया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि पंडित सार्वभौम का परिवर्तन, आकर देखा बोले पंडित जी आप हो, तो पता लगा लिया था कि ये आए थे एक नवदीप से एक सन्यासी जिनके कारण उनका ऐसा हो गया है, तो वही पूछ रहा है। कि सिक्स तक गए थे, मैंने सिक्स तक गए थे क्या, पांच तो पढ़ेंगे अभी। सुनीला तुम्हारा घरे एक महाशय गौड़ है ते आईला ते हो महाकृपामय, पूछ रहे आकर के सर्वों को बैठा करके। बोले मैंने सुना कि आपके पास गौड़ से कोई एक महापुरुष आए थे, बड़े कृपा किया आपके ऊपर, तुम्हारे बहु कृपा कैला कहे सर्वजन, सबसे मैं सुन रहा हूं आपके ऊपर बड़े कृपा किए, कृपा करे कराओ मरे तहार दर्शन। क्योंकि जब सार्वभौम को पंडित को पूछे कि गोसाई जी आप हो क्या गया आपका ऐसे, बोले अरे कहो मत, आप लोग सब ठाकुर जी जगन्नाथ जी को दर्शन करने आते हैं, ये तो दारू ब्रह्म है, ये अचल ब्रह्म, ये सचल ब्रह्म है। ये जो सन्यासी जी आए हैं नए नए अभी बंगाल से, वो सचल जगन्नाथ है, ये अचल जगन्नाथ है, सचल जगन्नाथ। लोग बोले क्या भगवान है ना, हाँ भगवान। और क्योंकि ये इतने बड़े विद्वान व्यक्ति झूठ तो नहीं बोलेंगे, नहीं। अब सब देखने के लिए प्रयास के, जब ठाकुर जी स्वयं पधारे इधर
तो पूरे ये बात तो बहुत वाइल्ड स्प्रेड हो जाता है, तो राजा तक पहुंचाता है बात। तो राजा ने ही बात पूछ रहा है कि मुझे दर्शन कराओ, मैं भी देखना चाहता हूं कोई महापुरुष है जिसके कारण से आपका इतने बड़े भारी परिवर्तन हुआ। भट्ट कहे जे सुनिला से सब सत्य है। भट्ट बोले जो आप सुने सत्य बात है, ऐसे झूठ नहीं कि ये तो है, महापुरुष आए थे मुझे बड़े कृपा किए, लेकिन तारा दर्शन है तुम्हारा घटना ना है, लेकिन एक्सक्यूज मी साहब, उनके दर्शन आपका होगा नहीं। क्यों? विरक्त सन्यासी ते हो रहे ना निर्जने। बोला एक तो विरक्त सन्यासी है, निर्जन में रहते हैं, सपने हो ना करते हो राजा दर्शने, भूल में राजाओं का मिलते नहीं, राज दर्शन करते नहीं हो। तथापि तुमा कराई दर्शन कराईताम दर्शन संप्रति करी लाते हो दक्षिण गमन। बिल्कुल फिर भी मैंने आपको कैसे उपाय करके दर्शन करा लेता, मिला लेता आपसे, लेकिन वो है ही नहीं, दक्षिण भारत चले गए, साउथ इंडिया चले गए। राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी के ने गेला, भट्ट कहे महान तेरा यही एक लीला। राजा ने पूछा जगन्नाथपुरी आए थे वहां से इतने दिन महीने दिन चल करके आए, तो यहां से छोड़ करके दक्षिण भारत क्यों चले गए? तो भट्टाचार्य कहते हैं महापुरुष का एक लीला है, क्यों चले गए? तीर्थ पवित्र करिते करे तीर्थ भ्रमण, सही छले निस्तारे सांसारिक जन। बोलते हैं कि तीर्थ पवित्र करे करी तीर्थ भ्रमण, बोले ऐसे महापुरुष जो हैं वो तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ में जा करके पाप मिटाऊं, तीर्थ स्नान करूं, थोड़े बहुत ठीक ठाक होकर के आऊं, इसके लिए नहीं, वो तीर्थ को पवित्र करने के लिए जाते हैं। तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि। तो इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, बाकी सब नॉर्मल लोग जाते हैं तीर्थ में जाकर डाउनलोड करते हैं आपके पाप को, छोड़कर आना चाहते हैं, लेकिन इतने पाप भर जाता है वहां, तो उसको संभालने के लिए ऐसे ऐसे महापुरुष लोग जाते हैं तीर्थ में। तो इस तीर्थ भ्रमण के आड़ में, तीर्थ भ्रमण के माध्यम से ये संसार के लोगों को उद्धार करना चाहते हैं, ये काम से उन्होंने गए। भवद विधा भगवता तीर्थ भूता स्वयं विभु, तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। ये विदुर जी ने, विदुर को कहते युधिष्ठिर महाराज ने, कि आप जैसे संत पुरुष साक्षात तीर्थ है, वे अपनी शुद्धता के कारण भगवान की चिरंतन संगी है, अतएव वे तीर्थ को भी शुद्ध कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े महापुरुष होते हैं सिद्ध पुरुष, तो उसको तीर्थ स्थान को भी पवित्र कर चेना। वैष्णव रहय एक स्वभाव निश्चल, तेहो जीवन है न है न स्वतंत्र ईश्वर। बोले जो भगवान के भक्त होते हैं उनका तो पर दुख दुखी स्वभाव है, दूसरे को कैसे मदद करूं, और वो तो साधारण जीव ही नहीं थे जिसको आप बोलते हैं महापुरुष करके, वो जीव नहीं। तेहो जीवन है न हना स्वतंत्र ईश्वर, वो तो जीव भी नहीं थे, वो तो साक्षात ईश्वर थे। जो ईश्वर के भक्त होते हैं, ईश्वर के पार्टी के लोग होते हैं, उनके लक्षण होता है कि पर दुखे दुखी, दूसरे के लिए आपने कष्ट सहन करके दूसरे को मदद करेंगे। जिनके फॉलोअर्स ऐसे होते हैं वो स्वयं कैसे होंगे, एक बोलते हैं वैष्णव ये का स्वभाव निश्चल। वैष्णव का स्वभाव होता है कि पर दुख से सहायता देख करके, और ये वैष्णव नहीं था, विष्णु स्वयं है। तेहो जीवन है ना स्वतंत्र ईश्वर, वो तो साक्षात ईश्वर है, तो उनको क्या कहा जाए? साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। राजा कहे तारे तुम्हें जाइते के ने दिले, पाए पड़ी जत्न करी के ना रखिले। राजा बोला उनको फिर छोड़ दिया क्यों आपने, जब साक्षात ईश्वर है आए थे यहां, अरे भगवान को फिर जाने क्यों दिया? बड़े मुश्किल से भगवान आए थे, उनको जाने क्यों दिया?
पैर पकड़ करके काकुती काकुती विनती कैसे रिक्वेस्ट करके कैसे उनको रुकाना था, हमारे सारे देश लोग हम सब उनको दर्शन करते। भट्टाचार्य कहते हो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र साक्षात श्री कृष्ण ते हो नहीं परतंत्र। भट्टाचार्य कहने लगे कि ऐसे नहीं, वो साक्षात ईश्वर थे, साक्षात परमेश्वर भगवान है, साक्षात श्री कृष्ण, तो किसी के कंट्रोल कौन कर पाएगा कंट्रोल उनको, स्वतंत्र है, भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, भगवान स्वयं कंट्रोलर है, सबको कंट्रोल वही करते हैं, उनको कौन कंट्रोल कर पाएगा, वो परतंत्र नहीं है। तो राजा बोला सही में, राजा मन में विश्वास होता है क्योंकि इतने बड़े पंडित झूठ तो बोलेंगे नहीं, क्या सच में मैं इतने बड़े मिस किया, ठाकुर जी आए थे, साक्षात परमेश्वर आए थे और मैं दर्शन नहीं कर पाया उनको। सार्वभौम पंडित को बोला कि कैसे फिर रुकना चाहिए था, थोड़ा मुझे मुझे फोन करते मैं आ जाता, फोन तब जमाने में था नहीं। तो राजा को समझाने के लिए भट्टाचार्य कहते हैं कि लेकिन राजा जी ऐसा मत सोचिए कि मैं प्रयास नहीं किया था, मैंने भरसक प्रयास किया उनको रुकाने के लिए। तथापि राखीते तार बहु यत्न कैलू ईश्वरेर स्वतंत्र इच्छा राखीते नारिलू। बोले बहुत यत्न किया, थोड़ा दिन और रुक जाए, थोड़ा रुक जाए, केवल मुझे कृपा किए, पूरा ये राज्य है, कई लोग थोड़ा थोड़े और रुक जाए। राखीते तारे बहुत यत्न कैलू, मैंने बहुत यत्न किया उनको रखने के लिए, लेकिन वो ईश्वर है, स्वतंत्र है, राखी ते नारिल उनको रख नहीं पाया। आप बोलते हैं उसको पैर पकड़ने के लिए, बोले मैं जो जो करना था सब किया, आप मुझे क्या सिखाते हैं, आप जो मुझे बोलते हैं उससे भी और आगे मुझ कुछ किया था। और सचमुच जब एक हफ्ता में उनके परिवर्तन हुआ सार्वभौम पंडित का, सार्वभौम पंडित इतने परिवर्तन हो गए थे, आपने स्वयं श्रीमुख से आकर कहे, बोले मेरे हृदय जो था बिल्कुल तर्क जुक्ति में लोह पिंड था, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था, जंक भी नहीं लगता और मेल्ट भी नहीं होता, ऐसे था तर्क जड़ लोह पिंड जैसा, मतलब जिसको साधारण लोहा को तो ब्लास्ट फर्नेस के फायर में मेल्ट किया जाता है बहुत बड़े हाई टेम्परेचर में, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है वो मेल्ट नहीं होता उसको तो बहुत। बोला ऐसे लोह पिंड जैसा मेरे हृदय को केवल 7 दिन के स्टूडेंट बन करके उसको पानी पानी कर दिया, प्रचंड प्रताप आपका है, ये सर्वम स्वयं बोल रहे थे, इतने परिवर्तन हो गए। तो उन्होंने जब एक हफ्ता के बाद जब लोग प्रचार हो गया सारे दुनिया में कि सार्वभौम पंडित का ये परिवर्तन उन्होंने इसे कर दिया, तब लोग सब आए मिलने के लिए, अरे हम थोड़ा देख लें कौन है इतने पावरफुल, सार्वभौम पंडित को इतने बड़े परिवर्तन किए। तो उनके इच्छा को बढ़ाने के लिए, उत्कंठा को वृद्धि करने के लिए महाप्रभु बोले मुझे कुछ दिन आउट हो जाना चाहिए। तो दक्षिण भारत इसी भारत बहाने लेकर चले गए। जब सार्वभौम पंडित को आए बोलने के लिए, बोले पंडित जी मैं दक्षिण भारत जाना, क्यों जाएंगे दक्षिण भारत, ना मेरे भाई दक्षिण भारत में है, उनका बड़े भाई विश्वरूप संन्यास लेते, बोले मैं पता चला थोड़ा मिलकर आऊँगा, ये पर्सनल मैटर है, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, बाकी कोई मेरे साथ में नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ, आप थोड़ा मुझे कृपा कीजिए, मैं जाकर आ रहा हूँ। सार्वभौम पंडित जब सुना वो सेंसलेस हो गए, रो रो करके पैर पकड़ के बोले, बोले 7 दिन में मेरे जैसे दुर्बुद्ध को अब उद्धार करने के लिए 7 दिन में कुछ नहीं होगा, कुछ और दिन मेरे साथ में रहिए, मुझे कुछ दिन और साथ भरा रहिए, मुझे कृपा कीजिए। पैर पकड़ करके रोने लगे वृद्ध आदमी पंडित जी ने तुरंत। तो भगवान उनके विनयता को देखकर मान के बोले ठीक है अभी नहीं जा रहा हूं, कुछ दिन रुक रहा हूं। कुछ दिन 5-7 दिन रुके सार्वभौम का वहां,
वो मन भर करके उनके पास बैठते थे, उनको सेवा करते थे, उनको चांस दी। बोले फिर हाथ जोड़ बोले अब तो जाने दो, अब क्या करेंगे, मना नहीं कर सकते। बोले इतने दिन के लिए बोला था मैंने, फिर तो गए। सार्वभौम पंडित महाप्रभु के विरह को बारंबार मूर्छित हो जाते थे, सहन संभाल नहीं पाते थे, क्योंकि जो एक बार समझ लिया कि साक्षात परमेश्वर है वो कैसे उनके विरह को सहन कर सकता है। हम किसी के छोटे मोहत प्रेम जब देखते हैं ऐसे बंध जाते हैं, रो पड़ते हैं उसके विरह। लेकिन जो साक्षात भगवान जो सबसे प्रियतम है, जब उनके साथ जिसका संबंध है तो कैसे छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए सार्वभौम पंडित का महादुख अवस्था में छोड़ करके गए थे। तो इसी को बोलते हैं कि ऐसे मत सोचो कि प्रयत्न नहीं किया था, मैं बहुत भारी प्रयत्न किया था, लेकिन ईश्वर है, उनको रोका नहीं गया। राजा कहे भट्ट तुम्हें विज्ञ शिरोमणि, तुम्हें तारे कृष्ण कह ताते सत्य मानी। राजा कह रहा है कि आप कहते हैं उसको कृष्ण करके, क्योंकि आप तो हम कोई होते तो हम अनजान है या क्या समझता है मूर्ख है, लेकिन आप तो मुख्य मूर्ख नहीं है, विज्ञों के शिरोमणि हो, पूरे स्टेट में पूरे कंट्री में आपके जैसा कोई विद्वान नहीं है, शास्त्रज्ञ नहीं है। आप जिनको ईश्वर कहते हैं कृष्ण कहते हैं तो बिल्कुल मुझे तो फिर सत्य मानना ही पड़ेगा, मुझे सत्य मानी, मैं सत्य करके ग्रहण करता हूं। इस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान में आगे बढ़ने का यही उपाय है। इस पैर में कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं यही उपाय है, आचार्य आप प्रामाणिक गुरु के शब्दों को स्वीकार करना चाहिए, आचार्यों की वाणी को आजीटी स्वीकार करना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग साफ हो सके, यही सफलता का रहस्य है। हाँ, मनुष्य का मार्गदर्शक ऐसा आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जो पूर्ववर्ती आचार्य के आदेशों का बिना विचलित हुए दृढ़ता से पालन करने वाला हो। गुरु जो भी कहे उसे शिष्य को स्वीकार करना चाहिए, तभी सफलता निश्चित होती है, यही वैदिक पद्धति है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको प्रतिका दी है। सार्वभौम भट्टाचार्य एक ब्राह्मण एवं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, जबकि प्रताप रुद्र एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय राजा विद्वान ब्राह्मण एवं संत पुरुषों के आदेशों का पालन श्रद्धापूर्वक क्या करते थे, और इस तरह वे अपने देश का शासन चलाते थे। ये क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मण को सम्मान दे करके उनसे सलाह लेकर के राज्य चलाते थे। बोले यही है, क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण को सम्मान करेगा, उनसे सलाह लेगा, और क्षत्रिय को कंट्रोल में वैश्य रहेंगे, वैश्य को सम्मान करके शूद्र उनके काम करेंगे। बोले ये है रखी था, आजकल कोई फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार वैश्य राजा के आदेश को पालन करते थे और शूद्र इन तीन उच्चतर जातियों की सेवा करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आपस में मिलजुल कर रहते थे और अपने नियत कर्म का पालन करते थे, फलस्वरूप समाज में शांति और लोग कृष्ण भावनामूर्ति के कर्तव्य को पूरा करने में समर्थ थे। तो जीवन में सुखी थे और भगवत धाम भी जाते थे, ये है वर्णाश्रम प्रणाली। लेकिन ना तो कोई वर्ण रहा ना तो कोई आश्रम रहा, कोई फल ठीक से कर नहीं रहे। तो इस प्रकार कहते हैं कि राजा ने सार्वभौम को बात को आप कह रहा है कि वो कृष्ण पूरा स्वीकार कर रहा हूं, कोई डाउट नहीं मेरा, क्योंकि आप पंडित हैं विज्ञ श्रीमान। पुनरपि इहां तारे हैले आगमन, एक बार देखी करी सफल नयन। तो बोले तब फिर दर्शन नहीं होगा ना? नहीं, बोले मैं इसलिए आया था कटक से। कब आएंगे? कोई डेट कंफर्म तो नहीं है कब आएंगे। बोले ठीक है, मैं आपको अभी भी बुकिंग करके जाता हूँ, जब आएंगे हो तो मुझे बुलाना, एक बार मैं उनको देखना चाहता हूँ, मेरे नयन सफल करना चाहता हूँ, एक बार दर्शन करना चाहता हूँ।
भट्टाचार्य कहते हो आसिबे अल्पकाले रहिते तार एक स्थान चाहिए बिरले। सार्वभौम पंडित भी बहुत चतुर व्यक्ति थे ना, पंडित थे, बोले राजा है जो गवर्नमेंट अभी सपोर्टिव है तो जो काम कराना करा लेना चाहिए जो साइन कराना कोई जो काम अटका हुआ ना सब करा लेना चाहिए अभी, नहीं तो फिर क्या है, सपोर्टिव नहीं मिलेगा। तो पंडित जी तुरंत बोले कि यह काम करा लेना चाहिए, तो तुरंत फाइल बैठा दिखा दिए सामने, क्योंकि राजा बहुत सपोर्टिव बात कर रहा था, फ्रेंडली, तुरंत फाइल दिखाए। भट्टाचार्य कहे तो आसिफ बोले वो तो आएंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, आ जाएंगे, लेकिन आके रहेंगे कहाँ, आप तो राजा है, कोई उनके लिए कोई रहने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। अभी तो आए थे बड़े मुश्किल समय, कहीं रेंट दिला के रखा दिया था अपने परिचित लोगों से, लेकिन रखना चाहते हैं, कोई अच्छा जगह होना चाहिए आपके लिए, तो कोई फ्लैट फ्लैट हो जाए 2 BHK या तो जब पूछे तो राजा तो थे, राजा बड़ा स्ट्रेट हेड है, तो उन्हें पूछे कैसे जगह चाहिए, बोलो उनके लिए कैसे जगह चाहिए, ना उनको एक निर्जन जगह चाहिए, बिरला स्थान जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, इतने कंजस्टेड ना हो, ऐसे की जगह चाहिए। बोले केवल निर्जन स्थान टाउन से हटक, नहीं नहीं नहीं, ठाकुरेर निकट आर हैव निर्जने एमत निर्णय करी देह के स्थाने। तो बोला राजा अब सपोर्टिव है, जो पास कराना करा लेना चाहिए। बोले ठाकुरेर निकट मतलब मंदिर के पास भी हो और इतने कंजेस्टेड एरिया ना हो, भीड़ भाड़ भी ना हो, मंदिर के पास भी होना चाहिए, क्योंकि डेली मंदिर आएंगे, मंदिर के पास भी हो और निर्जन भी हो, ऐसा एक स्थान आप दे दीजिए उनके रहने के लिए, जब आएंगे मैं उनको रुकाऊंगा और आपको फिर बुला के आपसे भेंट करा दूंगा। राजा कहे ऐछे काशी मिश्रेर भवन ठाकुरेर निकट हय परम निर्जन। तो राजा को तो सब आइडिया था मंदिर के चारों तरफ के सब के, बोले अच्छा ऐसा जगह चाहिए, तो मिश्र जी का मकान तो है, काशी मिश्र जी राजा के गुरु जी हैं, तो उनको उन्होंने पहले से रहने के लिए दिए थे, राजा उनको बहुत बड़ा एरिया दिया था उनको रहने के लिए गुरु जी को, वो भी ब्रह्मचारी थे और मिश्र बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण पंडित विद्वान थे, क्योंकि तभी जमाने में, आजकल तो समुद्र दूर चला गया और समुद्र नज़दीक था, और आजकल पूरी तो अब जरूर सभी लोग गए हैं, पूरी मंदिर का जो साउथ साइड है वो सी साइड है, समुद्र की तरफ है, तो दक्षिण तरफ समुद्र नज़दीक था, तो यहाँ कोई लोग नहीं रुकते थे, कुछ ब्राह्मण कॉलोनी वहाँ होता था, उपवन था, मतलब दो साइड में बगीचा था, वहाँ भी तुलसी और पुष्प के बगीचा था, उपवन था, और फिर रेत, फिर समुद्र था, और कुछ ब्राह्मण लोग रहते थे, बाकी कोई लोग नहीं रहते थे। तो वहाँ ब्राह्मण से सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे काशी मिश्र जो राजगुरु थे, तो उनका बहुत बड़ा एरिया था, वो अकेले थे घर में, भवन बड़ा था, बहुत बड़े बगीचा था चारों तरफ, कम से कम 10 एकड़ के बगीचा, उसके बीच में उनका मकान थोड़ा लंबा, अकेले लेते थे, बड़ा भवन था। तो बोले ये तो मंदिर के निकट है, क्योंकि साउथ साइड में कोई लोग रहते नहीं है, दक्षिण भारत में समुद्र तरफ और काशी मिश्र के भवन, ये चलेगा। राजा कहे ऐसे काशी मिश्र भवन ठाकुर निकट और परम निर्जन, मंदिर का भी निकट है और निर्जन स्थान है, तो मैं साइन कर देता हूँ, काशी मिश्र से बात कर लेना, बोलो कि मेरे तरफ से मैं ओके कर दिया। एत कही राजा रहे उत्कंठित हया, भट्टाचार्य काशी मिश्रे कहिले आसिया। राजा ने जब अपना तरफ से मतामत दे दिया तो भट्टाचार्य बोला कि सर एक मिनट फोन लगा रहा हूँ, मिश्र जी को लगा रहा हूँ, फोन था नहीं, बोले मैं बुला रहा हूँ, काश में थे जाके उनसे पूछ लेता हूँ, नहीं तो फिर आप बोल के चला जाए, वो ना माने, है ना, नहीं अब भी पक्का कर लेना चाहिए। राजा जब उनको बोला, उत्कंठित होकर के भट्टाचार्य बोले 1 मिनट प्लीज सर, 1 मिनट मैं काशी मिश्र जाके बोल के लाता हूँ। जाके काशी मिश्र पास चले गए, काशी मिश्र कहे आमी बड़ो भाग्यवान,
मोरे गृहे प्रभु पादेर हबे अवस्थान। जब काशी मिश्र को प्रपोजल दिए जा करके सार्वभौम पंडित ने कि राजा ने इसे बोले हैं करके, तो मिश्र जी ने बोले नहीं क्यों मेरे ऊपर मोरे घर ऐसे नहीं कहे, इतने खुश हो गए, खुश होकर बोले मैं महाभाग्यवान हूं। क्यों तो अकेले रहते थे, महाभाग्यवान हूं, मोर गृह प्रभुपाद हैव अवस्थान। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ दिन एक हफ्ता महाप्रभु थे, निकट से नहीं मिले थे लेकिन उनको देखे थे, उनके हाव भाव, उनके चाली चलन मति गति देखे थे और सुने थे, और सार्वभौम का परिवर्तन हो तो पास में देखे थे। सार्वभौम का घर वो काशी मिश्र घर सामना सामने बिल्कुल रोड बीच में है, सार्वभौम घर उनके सामने काशी मिश्र घर, दोनों ही दक्षिण गेट में केवल ही दो ही रहते थे, बाकी कोई नहीं थे पूरे दक्षिण साइड में, सार्वभौम और काशी मिश्र दोनों थे। तो बोला जो आपके घर में एक हफ्ता जो आए थे स्टूडेंट बनकर, मैं देखा था, मैं आपसे अभी बोला नहीं, मैं देख कर समझ गया कि ये तो साक्षात कोई अति मानव है। तो काशी मिश्र बोलते कि मैं महासौभाग्यवान हूं, मेरे घर में रहने के लिए आप डिसाइड कर रहे हैं, मेरे गृह प्रभुपाद हैव अवस्थान है, मैं परम सौभाग्यवान हूं। तो इस टेक्स्ट के ऊपर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने भी और प्रभुपाद जी ने भी कमेंट्री लिखे कि ये जो प्रभुपाद शब्द है ये कोई मनगढ़ंत ऐसा बात नहीं है, ये स्वयं काशी मिश्र के कहना बात है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए ये प्रभुपाद वर्ड यूज किए थे। तो ये प्रभुपाद शब्द साधारण शब्द नहीं है, प्रभु ईश्वर को कहते हैं, जो ईश्वर कोटि के लोग होते हैं उनको ही प्रभुपाद कहते हैं, जो उन कौन कहते हैं ना, उनके जो भक्त लोग हैं, ईश्वर के भक्त लोग ईश्वर को प्रभुपद करके मानते हैं, और जो ईश्वर के बड़े भक्त आचार्य होते हैं उनको ही प्रभुपाद करके बोलते हैं, बोलते हैं कि इसे भगवान स्वयं थे तो इसलिए उनको प्रभुपाद करके बोले सम्मान से। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ में श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, वो भी ईश्वर कोटि के थे इसलिए उनको ही प्रभुपाद श्रीपाद करके बोला जाता था, प्रभुपाद करके। और उनके बताते हैं आगे ऐसे कृष्ण प्रेष्ठाय, जो कृष्ण के प्रिय भक्त होते हैं, जो कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, उनको भी हरि जैसे सम्मान के, कृष्ण जैसे सम्मान करते हैं, उनको ही प्रभुपाद बोला जाता है। ये प्रभुपाद शब्द का अर्थ बताए। और काशी मिश्र के इमीडिएट सैंक्शन, बोले अरे ये हमारे घर में आएंगे, मैं इतने इतना मेरा महाभाग्य होगा, मैं तो कोई सोचा भी नहीं था। तो आगे कहते हैं ऐ मत पुरुषोत्तम बासी जत जन प्रभु के मिलिते सवार उत्कंठित मन। इस प्रकार केवल राजा नहीं, काशी मिश्र नहीं, पुरुषोत्तम में जितने, पुरुषोत्तम मतलब पुरी में, पूरे होल पुरी डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग रहते थे, बड़े महान महान लोग, सब सभी लोग बहुत उत्कंठा से उत्साह से उस महापुरुष को मिलना चाहते थे। जब सुने कि यही सर्वों के इतने बड़े परिवर्तन किए, प्रभु के मिलित सवार उत्कंठित मन, सबके मन में बड़ा उत्कंठा था मिलने के लिए, हम भी दर्शन करते, हम भी दर्शन करेंगे। जब सारे लोग बहुत प्रबल उत्कंठित हुए, डेली आके पूछते थे अरे कब आएंगे कब आएंगे। सर्वलोकर उत्कंठा जबे अत्यंत वाढ़िल महाप्रभु दक्षिण हैते तब ही आइल। यही भगवान के स्वभाव है, जब भक्तगण परम विकल होकर उनको पुकारेंगे तब वो फिर आते हैं, तब आते हैं, नहीं तो उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की तिथि है, महाप्रभु भगवान है, भगवान के आविर्भाव के अनेक कारण है। एक कारण ऐसा है जैसे भगवत गीता हम सब पढ़ते हैं,
बाकी शास्त्र तो पढ़े नहीं, गीता तक हम संग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से अर्जुन को बताए, बताते हुए चौथा अध्याय में बोले, बोले अर्जुन ये मैं तुझे जो गीता बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि तुझे बोल रहा हूं, बोले मैं पहले ही बोला हूं। सेम इमं विवस्वते योगं, ये विवस्वान को मन कहता, विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान मनु को भी कहा, मनोरिखा कवे अवृत, बोले ये चल के आ रहा था, यही बात मैं पहले बोला था। ये लेकिन स काल ने हमहता जोग नष्ट प्रबंध, लेकिन काल के प्रभाव से धीरे 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 मिट गया, लेकिन मैं फिर आज आपको फिर बोल रहा हूं, बात वही है। तो अर्जुन सुन करके आंख उठाकर बोले, बोले क्योंकि अर्जुन के मित्र थे, कृष्ण उनके फ्रेंड थे और समवयस्क थे, सेम एज के थे। अर्जुन हंस हंस के हाथ में बोला, बोले व्हाट आर यू टॉकिंग, विवस्वान को मनु को, अरे तुम हम एक ही उम्र के, हम सुने नहीं वही कितने पुराने त्रेतायुग की बात बोलते, तुम उनको बताया था, क्या बात कर रहे, मैं कैसे विश्वास करूं आपकी बात को, मनु को बताया वो सिखा कैसे मानू। तो भगवान बोले हाँ आपको कहते ठीक है, क्योंकि ऐसा मत समझो कि मैं तेरे मित्र बनकर अब आया हूं बस ही आया, नहीं 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 नहीं, ये अवतार बात को भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। भगवान स्वयं श्रीमुख से बोले, अर्जुन ऐसा नहीं है, आउट आउट कर रहे, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन, केवल मैं नहीं, मैं विवसान को तब कहा था, नहीं मैं भी तभी आया था अभी आया हूं, तुम भी तभी आया था अभी आए हो, तुम्हारे और मेरे बहुनी बहुनी जन्मानी व्यतीतानी, अनेक अनेक जन्म मेरा भी हुआ आपको हुआ, ये भगवान की श्रीमुख से वाणी से ये प्रमाण होता है कि हम सभी के बहुत बहुत जन्म होता है, जन्मते मरते जन्मते मरते ये शरीर हमेशा बदलता रहता है, हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये फैक्ट है, भगवान अपने श्रीमुख से इस कहे। तो फिर अर्जुन का मन में डाउट हुआ, बोला अच्छा अगर आप बोलते हैं कि हम दोनों कई बार जन्म हुए हैं, तभी त्रेतायुग से जन्म हुए थे, तो हम दोनों जब आए तो तुम्हारा याद रहा मेरे कैसे, बोले यही तो दिक्कत है, बोले मैं भगवान हूं आप जीव हो, विशेषता ही है कि तुम भूल चुके हो लेकिन मैं भूल नहीं, बोले क्यों, बोले मैं ईश्वर हूं, ईश्वर और जीव के यही अंतर है, ईश्वर के अंदर माया के अभिभूत नहीं है, और जीव माया के आवरण से ग्रस्त है, अविद्याग्रस्त है, भूल जाता है, ईश्वर इस आवरण से निरावरण है, माया का आवरण नहीं है, इसलिए उनको सब कुछ याद है, आगत भविष्यत सब पता है उनको, लेकिन तुम भूल गए हो, तुम नहीं जानते हो। तो फिर बहुन बोले जन्म होता क्यों, फिर आप क्यों आते, चलो हम तो बद्ध जीवे थे, हम कर्म फल, आप क्यों आते हो बार बार, अर्जुन ने पूछ लिया। तो भगवान ने आपने आने के कारण भी बताया, आ कारण बताने से पहले भगवान बोले अर्जुन, भगवान अपने सिमुख से कहे बड़े इंपोर्टेंट वर्स, बोले मैं बारंबार जन्म होता हूं लेकिन ये मत सोचो कि हम जैसे जन्म सभी लोग जन्म होने वाले होते, बोले मैं अजय हूं, अजो अयम सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। इस श्लोक में दो अपि शब्द लगाए, अजो अपि भूतानाम ईश्वरो अपि, अपि मतलब भी, ऐसे हुए भी, अज मतलब अजन्मा, बोले अजन्मा होते मेरा जन्म नहीं होता, अजो अयम मैं अजन्मा हूं, अजो एम अव्यय आत्मा, मेरा परिणाम भी नहीं होता, परिणाम होने मतलब जैसे हम सब का बाल्य, फिर कैशोर, फिर प्रौढ़, फिर बुढ़ापा बदलता रहता ना, बोले मेरे विकार नहीं होता, अव्यय आत्मा, बोले मैं अजो अयम अव्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूं और अव्यय भी हूं, मेरा व्यय नहीं होता, मेरा परिवर्तन नहीं होता, परिणाम नहीं होता, अपरिणामी और अजन्मा,
और दोनों में अपि शब्द लाकर अपरिणामी होते हुए भी अजन्मा होते हुए भी ये मत समझो कि मेरा जन्म हो नहीं सकता, मेरा अवतार नहीं हो सकता, मैं आ सकता क्यों? ये तो कोई जुक्ति में कोई तर्क में फिट नहीं बैठता। बोले जुक्ति तर्क के बियंड में हूं मैं, तर्कातीत पुरुष हूं, मेरे विषय में कोई तर्क करना ये मूड बेकार है, मैं तर्क फर्क के बाउंड्री में नहीं हूं, उसके परे हूं, तर्क से अतीत हूं। इसलिए अरे वो तो जन्म हो ही नहीं सकता, उनका जन्म कैसे हुआ? बोले ये आपके जुक्ति ठीक है, मेरा जन्म हो नहीं सकता, मेरा परिवर्तन हो नहीं सकता। तीन जो लोग अवतारवाद के विरोध करते हैं उनके पास में तीन स्टेटमेंट बहुत तगड़ा रहता है। क्या? ना भगवान स्वयं कहे कि वो अजय है, उनका जन्म होता ही नहीं, अव्यय है, उनका परिणाम विकार को परिवर्तन होता ही नहीं, और तीसरा वो ईश्वर है, मतलब सर्व नियंता है, वो नियंत्रित के अंदर कैसे आएंगे? जो पूर्ण कंट्रोलर है, ये कंट्रोल्ड, ये जगत सब कुछ कंट्रोल्ड बाय नेचर, उसके अंदर कैसे आएंगे? ये तीन उनका वेरी हेवी लॉजिक होता है। बोले हाउ कैन इट पॉसिबल, ये तीन लॉजिक, भगवान ये तीन लॉजिक को स्वयं श्रीमुख से कहे। बोले हाँ, भूतानाम ईश्वरोपिशन, मैं ईश्वर भी हूं, अव्ययात्मा हूं और अजय हूं, तीन मैं भी मानता हूं, तीनों हूं, वो जो तीन स्टेटमेंट देते मैं तीनों हूं, लेकिन तीनों होकर भी अपि ये मत समझो कि मैं आ भी नहीं सकता हूं, मैं आ भी सकता हूं, क्योंकि ये जुक्ति पुक्ति मेरे लिए लगता नहीं, मेरा अजिंत्य शक्ति संपन्न हूं। असंभव को संभव करना तभी तो मैं भगवान हूं, जो असंभव है उसको मैं संभव कर सकता हूं। अघटन घटी घटन पट्टी सी माया, जो अघटन है असंभव को संभव करना और संभव को असंभव कर देना, बोले यही तो मेरे भगवत्ता है, यही तो मेरे पावर है, तो ये सब होते हुए भी मैं आ सकता हूं। वो उसको जुक्ति करके तेरे दिमाग से समझना चाहोगे समझ नहीं पाओगे, ये तुम्हारे खोटा दिमाग को नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक बार एक वैज्ञानिक से प्रभुपाद जब विदेश में समझा रहे थे, मतलब स्वामी जी क्वेश्चन आई इस क्या ना, स्वामी जी आई कैंट अंडरस्टैंड हाउ कम कृष्ण इज इन एवरी वेयर, इज नॉट एनी वेयर, ये कैसे है? आई कैंट अंडरस्टैंड, आप कैसे बोले ये बात को? प्रभुपाद बोले सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यही ईश्वर तत्व है। बड़े सिंपली बोले बोले सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो इस बात को आप अंडरस्टैंड करो तब जान पाओगे भी कुछ समझा। आप अगर ये समझ ले कि मैं समझ ही नहीं पाऊंगा तब समझो कि कुछ समझा, यस। तो भगवान ही कहते हैं, बोले जुक्ति तर्क करके तेरे ज्ञान के बल पर मुझे जानना चाहोगे? नहीं हो पाएगा ना। चिंतन शक्ति अवांग मानस गोचर, अवांग मानस मन और वाणी से मन से सोच से परे हैं, यहां तक नहीं जा सकता वो, इसलिए तर्कातीत पुरुष हैं। भगवान स्वयं अपने मुख से बोले, बोले मैं ये सब होते हुए भी मेरे आना असंभव नहीं है, आप लोग के लिए असंभव है लेकिन मेरे लिए कुछ असंभव नहीं होता, मैं सबको संभव कर सकता हूं। भगवान स्वयं कहे एक बात, बोले फिर असंभव नहीं तो फिर आते कैसे अपने? आप अजन्मा हो, नियंत्रित नहीं हो, अव्यय है, आपका विकार होता ही नहीं, फिर कैसे आते हैं? ना ये बात को, ये बात में बताते मान लो भगवान, फिर दो ही कारण बताए भगवान के आविर्भाव का, भगवान की आविर्भाव का दो कारण भगवान अपने श्रीमुख से बताए इस गीता में, इस प्रसंग में। बोले कैसे मैं आता हूं? बोले प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, ये बात भगवान अपने, बोले कैसे आता हूं ना, मैं अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर के आता हूं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय और संभवामी आत्ममायया, ये दो शब्द उन्होंने यूज किए, आत्ममाया और स्व प्रकृति में अधिष्ठित होकर के, इस प्रकार मेरा आना होता संभव होता है। अब इस दोनों को ढंग से समझिए, एक होता है प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, भगवान के तीन ही प्रकृति होता है,
तीन प्रकृति भगवान के, एक होते भूत प्रकृति जीव भूतं, एक है जिसे तटस्था प्रकृति से जीव शक्ति है, एक होता है बाह्य प्रकृति बहिरंगा शक्ति, जितने ऐसे जड़ पदार्थ है जगत में, संपूर्ण जगत भूमि राप नल वायु पंच भौतिक जितने भी जो कुछ देखते हैं ये सब भगवान के एक्सटर्नल एनर्जी बाह्य प्रकृति, और एक तटस्था मार्जिनल जे जीव भूतंग महावाह धारियते जगत, सारे जगत को विदोहन करने वाले एक्टिव करने वाले जो जीव शक्ति बोले मेरे तटस्था शक्ति है, और इस दोनों शक्ति में इसको भगवान सेवन चैप्टर में बोले बोले अर्जुन मैं तुझे बताता हूं ध्यान से सुनो ना, क्या बोले जो मैं बताता हूं उसको सुन लो, फिर सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा तेरे दुनिया, अब जानने के लायक तेरे कुछ बाकी नहीं रह जाएगा जिसको जानने के बाद में। अच्छा अरे हाँ, मैं वो चीज आपको बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद और ऐसा कुछ जानकारी का चीज बाकी नहीं रह जाएगा, कौन नहीं जाएगा ऐसे बता तो कौन सा बात, सब जान जाएंगे सर्वज्ञ। तो भगवान बोले भूमि राप नल वायु खंग मन बुद्धि वच अहंकार इति एमं भिन्न प्रकृति रष्टधा, बोले भिन्न ये तो मेरे अलग है, ये जो आठ चीज है भूमि आप अनल वायु अग्नि आकाश ये जो पांच महाभूत है और तीन सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, बोले ये जो आठ है ये मेरा भिन्न प्रकृति है एक्सटर्नल, मेरा भिन्न शक्ति है भिन्न प्रकृति है, इसको कहते हैं भिन्न मतलब अपरा एक्सटर्नल है अपरा शक्ति अपरा प्रकृति है। उसके परे अपरेयम इतस्तुन्यांग प्रकृति विधि में पराम, बोले और इस अपरा शक्ति से ऊपर और एक पराशक्ति है, एक पराशक्ति कौन है न जीव भूतंग महावाहु ये इदं धारियते जगत, ये जीव शक्ति है ये उससे बेटर एनर्जी है, ये तो अपरा है एक्सटर्नल भिन्न शक्ति, उससे भी थोड़े बेटर और अच्छे शक्ति है जो इस जीव समस्त प्राणी है जीव 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 शक्ति है, जो जीव शक्ति ये मेरे मार्जिनल पोटेंशियल तटस्था शक्ति है, ये दोनों थे उससे भी परे और है एक है जिसको स्वकीय शक्ति कहते हैं, अपने प्रकृतिम स्वाम मेरे स्व प्रकृति मेरे आपनी है ये अंतरंगा शक्ति, एक अंतरंगा एक बहिरंगा एक तटस्था, ले अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा तो बोले मैं और मेरे जो सब साक्षात स्वांश है जिसे वैकुंठपुर जो भगवत अवतार हैं स्वांश है भगवान की साक्षात, ये सब अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत, जीव शक्ति तटस्था शक्ति के अंतर्गत और बाकी जगत जड़ जगत सब बहिरंगा शक्ति, बोले तीन प्रकृति, तीन प्रकृति से भगवान बोले मैं आता हूँ कैसे, बोले ना तो जीव बनकर के आता हूँ, जीव तत्व तो भगवान नहीं है, भौतिक तत्व तो हम ही नहीं है तो भगवान क्या बने, बोले आप कैसे आते, बोले प्रकृति में स्वाम, बोले मेरे प्रकृति से मैं आता हूँ ना, ये परा ना अपरा दोनों से नहीं, इविन देवी देवता सब जीव के हैं ब्रह्मा तक जीव हैं, इसीलिए भगवान 15वां अध्याय में दोबारा ये कहें अपना परिचय देते हुए बोले ख्यारा और अक्षर से जो उत्तम है मैं वो हूं, याद आता ना ख्यारा अक्षरोपी ख्यर से भी अक्षर से भी दोनों से उत्तम हूं, ख्यारा जो क्षय होते हैं जो क्षय नहीं होते उनसे भी मैं वो भी नहीं हूं उनसे भी परे हूं, ख्यारा भी नहीं हूं अक्षर भी नहीं हूं उसके परे, इस प्रकार मैं पुरुषोत्तम हूं, इस प्रकार जो मुझे पुरुषोत्तम करके जानता है वो सर्वविद है, 15वां अध्याय भगवान का है। तो खैर अक्षर से परे बोले अक्षर जितने देवी देवता ऊपर ऊपर महाता बोले वो भी नहीं उनसे भी परे हूं, मतलब मैं स्व प्रकृति आपने निजी प्रकृति में अधिष्ठाय, मतलब जैसे आपके गाड़ी है आप गाड़ी में बैठते हैं, आप गाड़ी के ओनर है मैं गाड़ी में बैठते हैं, जैसे बोलते हैं कि मेरा प्रकृति है मैं इसे बैठ के आता हूँ, मैं और किसी गाड़ी में आता ही नहीं, और किसी के प्रकृति में और किसी नेचर में आता नहीं, मेरे प्रकृति में मैं आता हूँ, मेरे प्रकृति और किसी का प्रकृति नहीं, मेरे प्रकृति फिर अचिंत्य शक्ति संपन्न है इसी में मैं आता हूँ, इसलिए आपके किसी के समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय
केवल प्रकृति स्व प्रकृति में नहीं आता, आत्ममायया। मतलब एक तो अपने गाड़ी में बैठकर आता हूं, फिर मेरे आने का क्या कारण है ना, मेरे एक जो आत्ममाया होता है जिसको जोग माया कहते हैं, वो मुझे लेकर के आती है, वो लेकर के आती है, मतलब वो ऐसे आकर्षण करती है, मुझे आना ही पड़ता है, नहीं तो भगवान ऐसे नहीं आते ना। देवी देवता खूब चिल्लाते जाकर फिर भी नहीं आते। सातवां स्कंद भागवत में प्रसंग जब आता है प्रह्लाद चरित्र में, देवी देवता और हिरण्यकश्यप के तंग से इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, हवा पी करके निर्जला फास्टिंग तो हम भी नहीं करते हैं तो, लेकिन देवता लोग को जल भी केवल हवा पी करके, भागवत वर्णन है, बोले फल भी नहीं खाए, दूध आदि भी नहीं पिए, कुछ पानी भी नहीं पिए, हवा पी करके भगवान को प्रार्थना बोले कि इतने विकल होकर के भगवान प्रकट होकर के बोले क्या हो गया ना साहब, मर जाएंगे साहब, बेटी खटवा रहा है सर, हिरण कछु ऐसे तंग कर रहा है। भगवान बोले जो पता है ना सर, पता है, कुछ करते क्यों है नहीं, ऐसे परेशानी हो रही है, ऐसे रोए, बोले हम खाना पीना छोड़ दिए, मर जाएंगे सर, कुछ कीजिए। बोले मैं करूंगा ना, कब ना, मेरा भक्त को जब तंग करेगा तब मैं आऊंगा। इस बात से भगवान से प्रमाणित होता है देवता लोग, कभी खूब रोए, हवा पी करके भगवान को प्रकट करवा दिए, लेकिन फिर भी भक्त हो गए करके गारंटी नहीं है, फिर भी भगवान बोले ना, हाँ आप रो रहे हैं, मैं आया आपके कहने पर, लेकिन मैं अभी एक्शन नहीं लूंगा जब मेरा भक्त का। तो भगवान ओनली आते हैं उनके भक्त के लिए। इसलिए जब भगवान अपना कारण बताना गीता में, जब जब जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो आकर करते क्या है, धर्म की स्थापना करने के लिए आता है, आकर करते धर्म न परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतिनाम। च शब्द बीच में डाले, विनाशाय में च, आए किस लिए आते हैं, किस लिए ना, परित्राणाय, मैं साधु को परित्राण करने के लिए आता हूं, च अलसो, मैं विनाश भी कर देता हूं, वो साइड इफेक्ट मर जाते हैं वो, जब मैं जाता हूं वो खरीदने के लिए तो ये भी ले आऊंगा, और क्या है, मारना है ना, वो तो मर ही जाएंगे, मैं साधु को परित्राण करने जाऊंगा, च विनाश आया, वो अलसो वो भी हो जाएगा, वो भी मतलब साइड इफेक्ट है। दुष्कृति को, दुष्टों को दलन करना, मारना, ये भगवान का काम नहीं, ये तो साइड इफेक्ट है, भगवान अपने मर मर जाते हैं सब, भगवान को क्या लड़ाई करना पड़े। तो बोलते हैं साधु के, तो अभी प्रश्न उठता है, साधु के परित्राण करने के लिए आप आते हैं ना, हाँ, तो यहां एक सोचने के लिए बात है, साधु को परित्राण, परित्राण कौन आशा करता है, जो विपदग्रस्त है वो परित्राण चाहता है कि नहीं, परित्राण किसका करेगा, कोई जो विपद में पड़ा है, वो मुझे विपद से परित्राण करो, बोले साधु को विपद होता है क्या, साधु को तो विपत्ति होता ही नहीं, वो तो आपके चरण में शरणागत है, जिनका विपद ही नहीं उसको परित्राण का जरूरी क्या है, ये सिद्धांत कहते हैं। भले 50 लोगों को चारों तरफ से लगता है कि ये साधु कितने विपद में, कितने दुखी पड़ा है, कितने दुखी पड़ा है, बाकी लोगों को इसे दिखाई पड़े, लेकिन साधु खुद नहीं मानेगा कि विपत्ति में पड़ा हूं, जब वो मानता है तो वो साधु नहीं है, ये ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं। बोले जो समचित्त जो साधु है, ओ समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम, ये सम्यक रूप से उनके चरण तरी, भगवान के श्री चरण जुगल को जो अपने शरण्य करके शरण ले लिया, उनके लिए तो एक संसार समुद्र गाय के बछड़ा के खुर के इनप्रिंट की तरह जैसे हो गया। गोस्पदम, गोस्पदम है ना, गोस्पदम नहीं बच्छस्पदम, बछड़ा के पद का चिन्ह, समुद्र ये भव संसार उनके लिए कितना बड़ा हो गया, बछड़े के जो बारिश फारिश होता है ना, बछड़े जब चलते हैं उनके एक पैर के जो छाप में जैसे गड्ढा होता, कितने पानी आता है उसमें, 50 ग्राम, 50 ग्राम पानी के लिए कोई बोट खरीद करेंगे पारी करने के लिए बोली उनको क्या तरी चाहिए,
उनको नौका चाहिए कि तू 50 ग्राम पानी बन जाएगा समुद्र, क्यों मेरे शरण में आ गया। समासिताये पद पल्लव प्लबम, जो मेरे चरण रूपी प्लब को भला को चरण तरीक जो पकड़ा उनके लिए भव समुद्र गोस्पद, इतना ही हो जाएगा तो उनके लिए विपत्ति क्या है, उनको परित्राण क्या है, उनका विपत्ति है ही नहीं, पर उनको रिलीफ क्या करें, उनके लिए मैंने जो तो आपके शरण में बैठे उनको क्या विपत्ति है। आप बोले हाँ ये तो सही बात है, उनको विपत्ति है ही नहीं, उनको परित्राण क्या है, लेकिन उनके इस प्रकार विपत्ति नहीं होता जैसे सांसारिक लोग सोचते हैं, उनका एक ही विपत्ति रहता है, वो रोते हैं आतुर होकर, क्या पता नहीं मेरे से भजन नहीं हो पाता, इतने कर रहा हूं मेरे से भजन नहीं होता, पता नहीं ये जीवन अनर्थ व्यर्थ चला गया, भगवान की सेवा में नहीं कर पाया, भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया, भगवत अनुभूति नहीं कर, ओ साधु का हमेशा तड़पन रहता, ये साधु का लक्षण। वो जो तड़पन रहता है कि कब प्रभु को मैंने अपने प्यार से प्रेम से सेवा करूं, उनको मैं करूं, वो भावना जब रहता है तो वही उनका विपत्ति है। जब वो इस प्रकार प्रेम से पुकारता है तो प्रभु को आना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन फॉर हिम, बोलते हैं फिर मेरे लिए क्यों बोले, क्योंकि आत्ममाया जो मेरे हैं, मेरे जोग माया के शक्ति के अंतर्गत हैं, वो जो मुझे पुकारेंगे आत्माया संभवामी, मैं प्रकटित अपने आप को प्रकट करवाता हूं जब मेरे आत्माया वो जो मुझे चिल्लाते पुकारते हैं। तो इसलिए भगवान को हमेशा कारण बनता है, नहीं तो भगवान ऐसे नहीं आते, हमको लोकलोचन में दिखाई नहीं पड़ता शास्त्र, लेकिन हे निश्चित हरेक बार जो स्वयं भगवान आते हैं कोई ना कोई माया शक्ति उनको पुकार करता है, कारण बनता है, तभी आते हैं। श्री भगवान गौरचंद्र के लिए, गौरंग महाप्रभु के लिए आप सुनेंगे, भगवान स्वयं स्वीकार किए, कितने लोग क्या क्या हो गया नहीं आते थे, अद्वैत आचार्य कसम खा लिए, अद्वैत आचार्य ये आत्ममाया है, आपने उनके पार्टी रहे, अद्वैतम हरिणाम द्वैतम, हरि से अलग नहीं है वो, वही ईश्वर तत्व, वही आत्मजन है, वो बोला मैं पूछ काट दूंगा जब नहीं आऊंगे अपने, मेरी इज्जत की सवाल है आपको आना पड़ेगा, तब भगवान को आना पड़ा, बोले क्या करे बड़ा इतने बड़े बैठ ले, तब आना पड़ा, वही मुख्य कारण था। तो संभवामी आत्माया, मैं अपने आप को संभव कराता हूं, प्रकट कराता हूं असंभव करण, क्योंकि वो लोग मेरे पर खींच के लाते हैं, ऐसे साधो। तो इस प्रकार भगवान जब भी आते हैं केवल भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों को, भक्तों का विपद नहीं है, भक्त प्रेम चाहते हैं भगवान से, और प्रेम के बस में भगवान रहते हैं और किसी के बस में नहीं है। तो इसी से उन्हीं के भक्तों के प्रेम से वशीभूत होकर के कभी उनके बेटा, कभी उनके भाई, कभी उनके गुरु, कभी उनके जो संबंध इसके लिए आ जाते हैं, उनके बनने के लिए आते हैं, उनको खुश करने के लिए आते हैं, बस यही कारण है। तो इसी के कारण से चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। तब अभी समय हो रहा है तो कल उसको कंटिन्यू करेंगे, तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे कि राजा के पास जो गवर्नमेंट फेवरेबल था तो पंडित जी ने उनसे ये पास करा लिए, जब आएंगे ठाकुर जी कहाँ रुकेंगे स्थान, अरे अप्लॉट प्लॉटिंग करा लिए उनके, है ना नहीं, अब गवर्नमेंट से अप्लाई किए थे, अप्लाई करके सैंक्शन साइन फेन करा लिए उनसे, और क्या साइन फेन करा के पक्का कर लिए, अभी नंबर बनाएंगे जो करेंगे वो देखेंगे, जमीन तो हो गया ब्लड तो हो गया, अब आगे क्या होगा देखेंगे। जय नीताय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो गुण गढ़ गए, तीसरा भी घटना है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर कथा करने के लिए, क्योंकि महाप्रभु को हृदय में वास्तव में निमंत्रण करना है और साधु के मुखारविंद के माध्यम से ही हो सकता है। जब साधु से श्रवण करते हैं तो उनकी कृपा से हम भगवान के और नज़दीक जा पाते हैं, भगवत तत्व समझ पाते हैं। और चैतन्य चरितामृत वैसे ही जैसे महाराज जी बता भी रहे थे, बहुत ही विशेष ग्रंथ है। प्रभुपाद जी ने दोनों चीज़ें इसमें दी हैं, फिलॉसफी भी दी है और लीला भी दी है, ताकि हम लोग सिद्धांत भी समझें, भगवान से संबंध समझें और फिर हृदय से पुकार सकें भगवान को, ताकि उनका प्रेम और सेवा प्राप्त हो सके। तो महाश्री का बहुत विशेष धन्यवाद इस सुंदर कथा को शुभारंभ करने के लिए। और कथा अभी तक चलेगी, 7 तक कंटिन्यूस चलेगी। और आज विराम देने से पहले कुछ भी प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं, 2-3 भक्त प्रश्न, आई एम श्योर क्वेश्चंस काफ़ी सारे होंगे, पर 2-3 क्वेश्चंस इसके। हाँ माता जी पीछे सबसे पहले ऑडियो फर्स्ट, तो कोई है डिवोटी माइक के साथ? हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, जैसे गीता में 4.9 में बताया गया है कि जैसे जन कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, तो ये जैसे मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे तत्व से जान लेता है उसे इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। बट अभी जैसे आप महाराज बता रहे थे कि जैसे प्रभुपाद भी कह रहे थे कि यू शुड अंडरस्टैंड येट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो महाराज यही थोड़ा सा प्रश्न था कि फिर हम इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, हम भगवान को तत्व से? ऐसे ही समझे कि हम समझ नहीं सकते हैं, यही तत्व है, है ना? ठीक है महाराज। और महाराज जैसे मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और चीज़, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि भगवान की लीलाओं का हमें समझना चाहिए, जैसे अगर जैसे उनकी जो दामोदर लीला थी तो उसमें मतलब तत्व क्या यही है कि जैसे भगवान, क्योंकि एक तरह मतलब जो इंटरनल रीज़न है, क्या वो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो वात्सल्य रस में माता यशोदा के साथ आदान प्रदान करना चाहते थे और बाहरी कारण ये है कि वो हमें शिक्षा देना चाहते थे कि अगर हम प्रयास करेंगे और तो फिर भगवान हम पे कृपा करते हैं उनको समझने के लिए। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब था, क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है या इसके पीछे भी कुछ और है? बात है कि भगवान ये करके दिखाते हैं कि देखो मैं कितने आपके पास आ सकता हूँ, नज़दीक हो सकता हूँ। भगवान अपने भक्त वत्सलता के प्रकट करवाते हैं, तो केवल ये जसदा के लिए हुए ऐसा बात नहीं, सभी के लिए आ सकते हैं। अगर हम भी उनके तरह बनेंगे भक्त, तो भगवान भी आपके पास आपके बेटा बनकर आ भी सकते हैं, ये दिखाते हैं भगवान। थैंक यू मच। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी वेदांत क्या होते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करें। वेदांत वेद के अंत को वेदांत कहते हैं। तो ये कंक्लूजन ऑफ वेदस, सॉरी, अलग से क्या है वेदांत? बोलते हैं ना वेदांत सूत्र, वेदांत। देखिए वेद तो चतुर्वेद है भाष्ट, तो चार के नहीं, फिर उसका अंत क्या है, उसका क्या एंड क्या है, कहाँ उसका लास्ट पॉइंट क्या, तो फिर उसको कुछ सूत्र बताया गया। बोले वेदांत को सूत्राकार में कि ये वेदांत सूत्र है, लेकिन असली में महाप्रभु बोले वेदांत सूत्र का असली भाष्य है श्रीमद् भागवतम, और भागवतम का अंतिम क्या है, श्री हरि नाम, श्री हरे कृष्ण महामंत्र, श्री हरि नाम ही असली वेदांत है। तो उसको जो नहीं जानते हैं, उनके भले दांत निकल जाए उसको वेदांत भी कहते हैं, जिसके दांत चला गया उसको भी क्या कहेंगे, वेदांत, दांत नहीं। तो जो वेद पढ़ पढ़ करके दांत निकल गया, वेदांती हो गए, लेकिन असली वेदांत को नहीं जान पाए कि असली हरि नाम ही, हरेर नाम एव केवलम, इसको नहीं समझ पाए, तो फिर वो वेदांत नहीं, ये असली वेदांत है। थैंक यू महाराज।
हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू फॉर द नेक्टर जो आपने हमको दिया आज। महाराज मेरा, आपने पूरी कथा में कई जगह पर आया कि भगवान के दर्शन करने के लिए राजा के अंदर बहुत उत्कंठा थी, बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, वो भगवान के दर्शन करने चाहता था। वो उत्कंठा अपने अंदर हम या मैं कैसे डेवलप कर सकता, कैसे हो कि वो मोटिवेशन हो कि मेरे को भगवान के आज दर्शन करने, इसी के लिए तो सेशन किया जाता है, यू शुड अटेंड एवरी डे, मोटिवेशन के लिए ही किया जाता है ये कथा है ना, तीन चार दिन का, इसी के लिए किया जाता है, इससे मोटिवेशन मिलेगा, रेगुलर अटेंटिवली सुनिए मिलेगा। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, हमारे जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय के मतलब बहुत ही बड़े एक मतलब एक मायावादी मायावादी थे, तो जैसे महाप्रभु को जो ये अष्टसात्विक विकार आया है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को पूरा पता था मतलब ये कौन सी स्टेज है, और जैसे डॉक्टर एग्जामिन करता है इस चीज़ को, तो वैसे उन्होंने मतलब पूरा उसका एग्जामिन किया, तो इसको मतलब कैसे समझ सकते हैं कि वो मायावादी थे स्टिल उनको सारे भावों के बारे में पता था, तो उसका कैसे मतलब वो सुना? मायावादी थे मतलब कि शास्त्र ज्ञान नहीं था, ऐसा बात नहीं, सब मायावादी लोग सब भागवत क्लास सुनते, भागवत प्रवचन भी करते हैं, सब जानते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, वेद नमानिया बौद्ध हैल नास्तिक, बोले वेद शास्त्र पढ़े नहीं बेचारे नास्तिक है, वो मानेंगे नहीं, लेकिन ये वेद शास्त्र सब पढ़े, सब पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, वेद मानिया मायावादी तहाते अधिक, वो उनसे बोधु से भी बोधिष्ठ भी और ज्यादा कंडमय हो, सब कुछ जानते हैं, जान बूझ कर फिर बोलेंगे उनके रूप नहीं गुण नहीं, अरे ये सब करते कैसे, तेरा रूप कैसे आ गया, तुम्हारा बाप बोलकर मानते हो मेरे पिता है, तेरे पिता का रूप नहीं, तुम्हारा रूप कैसे आया, यही है उनको, उनको एक्चुअली जब मायावादी के माया के रूप में जो शुरू किया था दर्शन को भगवान शंकर ने, शंकराचार्य ने, उनको भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे ऐसा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, कि बुद्धिज्म से उनको बचाना था इसलिए गुमराह करने के लिए दिया गया था, भगवान बुद्ध आकर के वेद को बंद करा दिए, बोले वेद को निंदा करके बोले रिजेक्ट करो उसको, फिर भगवान चले गए बोले नहीं कि मैं ये गलती किया, वेद को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, तो आप जाकर वेद को फिर स्थापना करो, नहीं कैसे स्थापना करो, आप जाकर मना करके आ गए, फिर जाओ डुप्लीकेट करके कराओ, तो आए थे कराने के लिए, ये उनका टास्क था। जैसे महाराज एक और थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए, जैसे महाराज जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे वो जगन्नाथ मंदिर के हेड प्रीस्ट थे, इवन वो तब जब मायावाद के दर्शन को मानते थे तो भी जगन्नाथ जी की पूजा करवाना, उसको पूरा मैनेज करवाना, सब कुछ उनको देखते थे, और वो जगन्नाथ जी के हेड प्रीस्ट थे, तो फिर उनका मतलब क्या कंक्लूजन क्या होता है मायावाद, क्योंकि जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो किस किस रूप में पूजा करते हैं, वो क्या उनका गोल क्या होता है, सब कुछ करते हुए फिर बोलेंगे कि निराकार निर्विशेष, वही माने जो जगन्नाथ अष्टकम किसका रचित है, तो फिर यही। थैंक यू महाराज। कि अभी भी जाओ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ नारायण है कि नहीं, बद्रीनाथ के पुजारी देखो कैसे दिला करते हैं, हाँ तो फिर तब भी थे अभी भी हैं नहीं क्या, गुरुवायूर कभी जाकर देखो, गुरुवायूर कृष्ण, कृष्ण के भजन खूब गाते हैं लेकिन सात त्रिपुंडर वाले मानते नहीं उनको, दिल से वो मानते नहीं है कि कृष्ण ही नहीं, उनका जो मान्यता जो समझ है उनको, उनको जहां से शिक्षा वाला जो समझ में आए उसी को मानते हैं, तो कृष्ण को तो मानते हैं, कृष्ण उनके इष्ट हैं, लेकिन इस प्रकार से मानते हैं। मन को रोकने के उपाय, मन को रोकने का सबसे सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड उपाय है, मन में जो आता है उसको डस्टबिन में फेंको बस मन अपने आप सीधा हो जाएगा, मन में जो विचार आता है सीधा बस
सीधा हो जाएगा मामला, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इस वर्ल्ड भक्ति राष्ट्र वैष्णव स्वामी महाराज जी की, श्रील प्रभुपाद की, गौरिंग महाप्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, स्वामी गौर भक्त वृंद की जानिता गौर प्रेम आनंदे। तो बहुत बहुत फिर से महाराज का विशेष धन्यवाद इतनी सुंदर कथा को आरंभ करने के लिए। तो जैसे कि बताया महाराज जी ने, ये कथा कंटिन्यूस रूप पे चलेगी। तो आज जहाँ पे जिस पैर पे एंड हुआ है, कल सुबह वहीं स्टार्ट होगी। कल सुबह 8 बजे से कथा रहेगी और फिर कल शाम को भी। तो कल सुबह 8 बजे से कथा रहेगी और कल शाम को संडे है तो कथा रहेगी रात को 11 बजे से। ठीक है, रेडी हैं सब लोग? हरि बोल। पूरा दिन वेस्ट करना है क्या? 11 बजे करें, 12 बजे करें रात को? स्टार्टिंग का पूछ रहा हूँ, स्टार्टिंग टाइम कितने बजे करें? 7 बजे? किसने बोला सात बजे? 7 बजे, 7 बजे कर लें। भस्वरपुर ने बोला 7 बजे। कौन कौन चाहता है 7 बजे से कथा आरम्भ हो जाए? क्योंकि देखिए 7:30 हुई, फिर कीर्तन हुआ, फिर क्वेश्चन हुए, बहुत जल्दी समाप्त कर दिया। अभी लग रहा खत्म नहीं हुआ, और सुनना चाहते थे। तो 7 बजे शुरू करें कल। हरी बोल। तो कल 6:30 बजे गौर आरती है और गौर आरती एंड होते ही 7 बजे से यहाँ पे कथा आरंभ होगी। तो आप आइएगा कल सुबह 8 बजे, कल शाम को 7 बजे, परसों सुबह 8 बजे, परसों सुबह 7 बजे, उसके बाद ट्यूसडे सुबह 8 बजे और फिर ट्यूसडे शाम, तो पूरा दिन यहीं पर रहना ही है। तो महाराज जी को फिर से धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक और चीज, आप में से कौन कौन स्कूल गया है पढ़ने के लिए कभी ना कभी? तो स्कूल में जब आप जाते थे तो क्या क्या लेकर जाते थे अपने साथ? हाँ, नोटबुक। देखिए सुनेंगे तो अच्छा है, पर एक कलयुग है, अगर नोटबुक सामने होगी और महाराज पढ़ रहे हैं उसी प्यार को हम पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा? लगेगा किसको? लगेगा हरि बोल। तो कल सुबह जिनके पास भी चैतन्य चरितामृत अपनी पर्सनल कॉपी लेकर आइएगा, महाराज भी पढ़ेंगे साथ में, आप भी वो जो गोल्डन लेटर्स हैं उसको वहां पे पढ़ेंगे और आपके हृदय में गौरांग महाप्रभु आ जाएंगे। लाना चाहते हैं गौरांग महाप्रभु हृदय में? तो जिनके पास भी चैतन्य चरितामृत है कल प्लीज यहाँ पर लेकर आइएगा, जिनके पास नहीं है वो भी जरूर आइएगा, आपको आगे की सूचना कल सुबह देंगे। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 10वां अध्याय। हरे कृष्ण। सब भक्तों के लिए प्रसाद है, प्लीज।